अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू NBS फाइन कुकिंग। आज मैं मेरी वीडियो में आप लोग को रमज़ान इफ्तार स्पेशल स्ट्रीट स्टाइल दही बड़े बताने वाली हूँ। तो चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दही बड़ा बनाने के लिए पहले मैंने यहाँ पर 500 ग्राम बेसन लिया है। फिर हम लोग यहाँ पर कुकिंग सोडा लेंगे 1/2 टीस्पून, फिर 1 टीस्पून सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून और अजवाइन 1 टीस्पून लेंगे हम लोग यहाँ पर। आप लोग नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए। अब हम लोग सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। मुझे यहाँ पर इसके अंदर 1 ग्लास पानी लगाया है इसका अच्छे से थिक पेस्ट बनने के लिए। देखिए मैंने कितने अच्छे से इसे मिक्स करके इसका एक पेस्ट बना लिया। मुझे ये साइज़ की ग्लास लगी है। तो हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर भजियों को तल लेंगे। पहले हम लोग एक कढ़ाई में तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे हाई फ्लेम पर। फिर हम लोग इसके अंदर पेस्ट को डालेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग भजियों को फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन कलर हुए जब तक। देखिए गाइज, हमारे यहाँ पर भजिया फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम लोग इसे निकाल लेंगे। अब हम लोग भजियों को भिगाने के लिए एक बड़े बोल में हम लोग थोड़ा सा पानी डालेंगे। फिर हम लोग इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम लोग इसके अंदर हमारे भजिए छोड़ देंगे। कम से कम 15 से आधे घंटे के लिए हम लोग भजियों को इसके अंदर रखेंगे ताकि भजिए अच्छी तरह से नरम हो जाए। अब हम लोग यहाँ पर दही बड़ों का दही बनाने के लिए 500 ग्राम दही और हम लोग इसके अंदर बारीक कटे हुए पुदीना डालेंगे। और आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लीजिए। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। देखिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आप लोग अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लीजिए। मैं यहाँ पर 2 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। आप लोग के टेस्ट के हिसाब से, कंसिस्टेंसी के हिसाब से ऐड कर लीजिए पानी। देखिए यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है, भजी अच्छे से नरम हो चुकी है। अब हम लोग इसे पानी में से निकाल लेंगे। देखिए मैंने सारे भजिए पानी में से निकाल लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर 7 से 8 ग्रीन चिली का पेस्ट बना लेंगे। फिर हम लोग इसके अंदर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हम लोग इसके अंदर नमक और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और हम लोग इसके अंदर 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे, यानी कि हल्दी। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों का एक पेस्ट बना लिया है। फिर हम लोग एक पैन के अंदर तेल लेंगे, हम लोग उसे अच्छे से गर्म करेंगे। फिर हम लोग उसके अंदर लाल मिर्च अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कम से कम 20 सेकेंड्स के लिए लो हीट पर फ्राई करना है हमें। फिर हम लोग वही तेल के अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून हम लोग राया डालेंगे। फिर हम लोग उसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर जो पेस्ट हमने बनाया था वो भी हम लोग इसके अंदर डाल के फ्राई करेंगे। तो देखिए हम लोग ने अच्छे से यहाँ पर पेस्ट को और ज़ीरा और रायों को अच्छे से फ्राई कर लिया। अब हम लोग इसका फ्लेम बंद कर देंगे और वो पेस्ट हम लोग दही के अंदर मिलाएंगे। तो देखिए गाइस, हमारा दही यहाँ पर बनकर रेडी है। अब हम लोग यहाँ पर एक कटोरे में भजिए लेंगे और इसके अंदर हम लोग दही डालेंगे। देखिए गाइस, हमारे दही बड़े बनकर बिल्कुल रेडी है। कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम नरम बने हैं हमारे दही बड़े। आप लोग रमज़ान इफ्तार में ट्राई कीजिए दही बड़े। होप गाइस आप लोग को मेरी ये रमज़ान इफ्तार स्पेशल दही बड़ों की रेसिपी पसंद आई हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।